हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अगर किसी भी बोर्ड या किसी भी सर्किट या किसी भी डिवाइस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाता है, जैसे बर्न हो जाता है, जल जाता है, फट जाता है, फूल जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सक रहे हैं, रजिस्टर हो, आईसी हो, चिप हो, कैपेसिटर हो, मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, या किसी भी ट्रांसफार्मर हो, किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर वो बर्न हो जाता है, ठीक है, या फट जाता है, तो उस कंडीशन में हम उस बोर्ड को, उस सर्किट को, उस डिवाइस को हम कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट जो है अगर वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जल जाता है, फट जाता है, बर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे अगर हमें पता नहीं है कि वो रजिस्टर या कंपोनेंट जो है, जैसे कि आप आईसी देख रहे हैं, अगर ये प्रॉपर बर्न हो जाता है, पूरा इस पर जो भी नंबर जो लिखा होता है वो अगर पता नहीं चलता है, तो हम वहाँ पे हम कौन सा आईसी या जो भी कंपोनेंट ख़राब हुआ है वो हम कौन सा नंबर का वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, या वो कौन सा कंपोनेंट है वहाँ पे कोई कंपोनेंट लगाना ज़रूरी है या नहीं लगाना ज़रूरी है, प्लस वहाँ पे हम कौन सा कंपोनेंट लगा सकते हैं। दूसरी बात जो है वहाँ पे क्या हम बिना कंपोनेंट लगाए भी सर्किट को ऑन करा सकते हैं, ठीक है, या अगर कंपोनेंट कोई ख़राब है तो उसके जगह पे जो है अगर हम कोई नया कंपोनेंट लगाते हैं तो क्या बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इस बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए अगर कोई भी कंपोनेंट बर्न हो जाता है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, फ्यूज हो गया, जम्पर हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो जाता है, जैसे कि रजिस्टर है और 50 ओम से कम का रजिस्टर है, 50 ओम से कम का रजिस्टर है, या फ्यूज है, या जम्पर है, या ट्रेक है, अगर वो खराब जाता है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक जम्पर का यूज कर सकते हैं। जम्पर मतलब जो है जैसे एक तरह का वायर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये एक तरह का ये ट्रेक है, ये आईसी से ये कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आईसी से ये कैपेसिटर कनेक्ट है। अगर ये जो है ये ट्रैक जो है ये जल जाता है, मतलब ये जो है ट्रैक ही ओपन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, पूरा अगर ट्रैक ही जल गया तो आप एक जम्पर लेके, मतलब एक पतली सी जो वायर होती है, कोई भी जो है जम्पर वायर जिसको बोलते हैं, एक वायर लेके जो है एक वायर का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वायर का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ये रजिस्टर या कहीं पे भी रजिस्टर लगा हो और वो रजिस्टर के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर जो है अगर वो 50 से कम है, या अगर आपको सर्किट में पता है कि वो रजिस्टर जो है 50 से कम है और मार्केट में वो उस नंबर का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो अगर 50 ओम से कम का रजिस्टर है तो वहाँ पे एक जम्पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जम्पर मतलब वही है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से अगर ये ख़राब हो गया है तो इधर से पॉइंट इधर मतलब आपस में जोड़ सकते हैं। अगर 50 ओम से कम का रजिस्टर है तो, ठीक है, अगर आपको पता है, कंफर्म पता है तो, अगर नहीं पता है तो फिर वहाँ पर जो है आप जम्पर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप तीन कॉम्पोनेंट है, ठीक है, तो इससे आइडिया भी हो जाता है, जैसे आप तीनों का नंबर देखेंगे तो सेम है, तो अगर एक खराब हो गया और दूसरा तीसरा सही है तो उसकी वैल्यू भी देख के या उसका नंबर देख के भी यहाँ पर हम कंपोनेंट लगा लेते हैं। दूसरी बात, जहाँ पे भी जम्पर यूज होता है, मतलब जहाँ पे अगर फ्यूज है और फ्यूज अगर ख़राब हो गया वहाँ पे भी आप जम्पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कि जहाँ पर आईसी लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है या कोई और कॉम्पोनेंट है, मॉसफेट है, अगर वो ख़राब हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये मॉसफेट ख़राब हो गया तो हम यहाँ पे जो है कौन सा मॉसफेट लगाएंगे, किस नंबर का मॉसफेट लगाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी बोर्ड में कंपोनेंट ख़राब होता है तो उसके नंबर पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसका नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर नंबर दिखाई दे रहा है तो कन्फर्म है कि उसी नंबर का लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नंबर नहीं पता चल रहा है तो वहाँ पर हम कौन से नंबर का लगाएंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो अगर ये किसी एक बोर्ड का, जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर मदरबोर्ड का, ये आईसी है, चिप है,
और एक तरह का ये क्लोक आईसी होता है, ठीक है, ये क्लोक आईसी है। अगर ये खराब हो गया तो किसी आप दूसरे बोर्ड में, किसी भी दूसरे बोर्ड में जो है आप जाएंगे और देखेंगे उसमें जो क्लोक आईसी है वो जो है वो कितने नंबर का है, ठीक है, उसका नंबर क्या लिखा हुआ है। तो वो नंबर जो है अगर ये सेम मॉडल का है, मतलब जो है वो जो दूसरा बोर्ड है, मतलब ये जो बोर्ड है इसी सेम कंपनी का दूसरा बोर्ड है, तो उसमें से आप नंबर देख के कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो आईसी है लैपटॉप का बोर्ड का आईसी है, सपोज कीजिए आईओ आईसी है, तो ये जिस कंपनी का है उसी कंपनी का दूसरा अगर लैपटॉप का बोर्ड है तो उसमें से ये नंबर आप देख के वहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या एक रजिस्टर है, अब रजिस्टर बर्न हो गया, ठीक है, मगर हमें पता ही नहीं है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू अगर ये कलर कोडिंग आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो कलर कोडिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आईसीए खराब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कंपनी ने भी पता नहीं चल रहा है या किसी दूसरे बोर्ड में भी वो आईसी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप ये करेंगे कि इसमें जो है इस बोर्ड में जो है सर्विस मैनुअल होता है या स्कीमेटिक डायग्राम मिलता है, इस बोर्ड में इसका मॉडल नंबर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, इस नंबर बोर्ड पे जो है चाहे वो लैपटॉप का बोर्ड हो या डेस्कटॉप का बोर्ड हो उस पर नंबर लिखा होगा, तो उस नंबर से स्कीमेटिक जो है सर्किट इसका डाउनलोड करके, डायग्राम डाउनलोड करके, और इसका जो नंबर होता है, मतलब इसका जो भी इसके आसपास जो नंबर लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यू लिखा हुआ है, तो ये नंबर आप जब सर्च करेंगे स्कीमेटिक सर्किट मतलब डायग्राम के अंदर, तो उसमें आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि इस बोर्ड में या जिस बोर्ड में लगा हुआ है उस बोर्ड में जो है इस आईसी का नंबर क्या है, तो उसके थ्रू देख के आप किसी मार्केट से या किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के भी आप लगा सकते हैं। रही बात कि अगर कोई कंपोनेंट जैसे कि जो है कैपेसिटर खराब हो जाता है, ठीक है, जैसे कि रजिस्टर हो गया है, कैपेसिटर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, अगर ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर बर्न हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर नॉन पोलराइज फट जाता है तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है इसके ऊपर लिखा नहीं होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखा है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो है जितने साइज का है, मतलब ये जितनी ये चौड़ाई है, जितनी मोटाई है, ये किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी भी बोर्ड में अगर लगा हुआ है इस टाइप का कैपेसिटर, तो वो जो है निकाल के आप लगा सकते हैं, अगर ये बर्न हो गया फट गया है तो, ठीक है, वहाँ से सेम नंबर सेम साइज का जो है लगा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर दूसरे बोर्ड में नहीं मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नॉन पोलराइज जो है आपको यहाँ लगाना है, अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है, अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर ये कंपनी निकाल भी देते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर तभी भी बोर्ड में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और सही काम करेगा, ठीक है। अगर ये फट गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से आयरन से या असेंबली मशीन से इसको निकाल के फेंक दीजिए, मतलब हटा दीजिए, और दूसरा कोई अगर नहीं भी लगाएंगे तभी भी चलेगा, मगर अगर ये सीरीज में लगा हुआ है सीरीज, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ये कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। पैरेलल सीरीज क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर पैरेलल सीरीज आपको पता नहीं है तो भी मेरे चैनल पर जाके विजिट करके वहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल सीरीज क्या होता है। तो अगर ये पैरेलल में 90% जो है कैपेसिटर नॉन पोलराइज या पोलराइज जो है वो पैरेलल में ही लगा होता है, तो अगर ये कैपेसिटर खराब भी हो जाता है तो उस कंडीशन में बर्न हो जाता है, तो वहाँ पे अगर ये निकाल भी देंगे तो उस कंडीशन में भी जो है क्या है कि वो अगर नहीं भी लगाएंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बोर्ड में लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल के अंदर बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो है शॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कैपेसिटर की वजह से होती है, तो शॉर्टिंग में क्या होता है कि दोनों साइड ये ग्राउंड से बीप करता है, ये दोनों आपस में बीप करता है, और इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं शॉर्टिंग भी हट जाता है और बोर्ड भी ऑन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा लगाना वहाँ पे मतलब लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है किसी भी बोर्ड के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर, जैसे कि आप ये रैम स्लॉट आप देख सकते हैं रैम है और रैम के ऊपर ये रजिस्टर लगा हुआ है या ये कैपेसिटर लगा हुआ, अगर एक रजिस्टर ये बर्न हो जाता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जितने भी इस पे रजिस्टर जो लगे होते हैं वो टोटली जो है सेम नंबर का होता है, तो अगर कोई एक रजिस्टर ये बर्न हो गया इसका नंबर भी पता नहीं चल रहा तो उसके पास वाला जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू तो पता है ना, उस नंबर का जो है रजिस्टर जो है किसी दूसरे रैम स्लॉट से या किसी भी बोर्ड में लगा हुआ वहाँ से आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप किसी भी बोर्ड के अंदर अगर कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट बर्न हुआ है या ट्रेक शॉर्ट है या ट्रेक ओपन है, तो अगर 50 जैसे कि रजिस्टर की बात करें 50 ओम से कम का रजिस्टर है या जहाँ पे फ्यूज लगा है,
ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप जो है जंपर का यूज कर सकते हैं, या कोई ट्रैक जो है ट्रैक बर्न हो गया है तो वहाँ पे भी जंपर लगा सकते हैं। नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर है अगर वो ख़राब है तो आप उसको निकाल ही सकते हैं, उसको कोई दूसरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस आईसी का है या कैपेसिटर है मोसफेट है जिस पर नंबर लिखा है और अभी पूरा बर्न हो गया पता ही नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हैं स्कीमेटिक जो है इसका बोर्ड का जो नंबर है वो डाउनलोड करके उससे पता कर सकते हैं कि आईसी का ये नंबर क्या है, और उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है मार्केट से या किसी दूसरे बोर्ड से परचेज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि जो है अगर कोई भी कंपोनेंट बर्न हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे और चेंज करके कैसे उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।